हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए मिल्क बादाम एक यूनिक तरीके से हम आज बनाना बताएंगे कि आप कम दूध में भी बहुत अच्छा और टेस्टी मिल्क बादाम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी अपनी ये रेसिपी। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क बादाम। तो थोड़ा सा आप अगर पहले से भिगो देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भिगो पाते तो आधा घंटा पहले बॉयल पानी में थोड़े से बादाम डाल दीजिए। देखिए 10 से 12 बादाम है हमारे और 4 से 5 काजू डाल दिए जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा लगे लुक। तो ये देखिए इनके जैसे ये छिलके हैं, इन छिलकों को हम ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको पीस कर ले लेंगे। गाइस एक बात और, हमारी इस समय वीडियोस नहीं आ पा रही है जल्दी जल्दी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू की वजह से हम मायके से ससुराल नहीं जा पा रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए जो ये काजू है बादाम है एक में ही डालकर मिक्सी के जार में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए ग्राइंड करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस एक हमने ग्लास दूध ले लिया है, आप देख सकते हैं ये देखिए एक ग्लास यानी आधा लीटर दूध, ये लगभग आधा किलो की मतलब आधा लीटर की ग्लास है। तो इसमें हमने ले लिया है ये दूध, अब इसको हम बॉयल करने रखेंगे उसके बाद में हम देखते हैं। ये देख सकते गाइस हमने बादाम और काजू अपना डाल लिया है और ये थोड़ा सा इसमें डाले हैं दूध जिससे कि हमारे काजू और बादाम अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ठीक है, ये देखिए गाइस फाइन हमने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या करते हैं आगे। ये देखिए गाइस कुछ 4 बादाम लगभग ले लिए हैं गार्निशिंग के लिए जो कि हम इसमें कट करके मिलाएंगे, तो बारीक काट लेंगे। ठीक है, और देखते रहिए लास्ट तक क्योंकि वीडियो में हम लास्ट में बताएंगे कि इसको हम थिकनेस लाने के लिए कि क्या करते हैं। देखिए बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनेगा। ये देख सकते गाइस हमने चॉप कर लिया है बारीक। तो चलिए हमारा दूध भी बॉयल हो चुका, तो देखते क्या करते हैं। ये देखिए गाइस दूध बॉयल हो चुका है, तो इसमें से क्या करेंगे थोड़ा सा दूध हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। ये देख सकते हैं इसमें निकालेंगे थोड़ा सा क्योंकि इसको हम इसमें हमें क्या करना है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो थोड़ा सा निकालना है, ज्यादा नहीं। और जो ये हमने पेस्ट पीस कर रखा है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, जो बादाम और काजू का रखा हुआ तो सारा इसमें ऐड कर दिया और उसको चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे। अब ये देखिए गाइस हमारा दूध तो बन रहा है, इसमें हम अपने हिसाब से चीनी ऐड करेंगे। तो हम 4 स्पून देख सकते हैं आप चीनी ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से टेस्ट से कर सकते हैं मीठा जैसा आपको पसंद हो। ठीक है, तो इसमें हमने 4 स्पून चीनी ऐड कर दी है। एक बात और गाइस, आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं मगर हमारे यहाँ कुछ लोग नहीं खाते हैं इलायची पाउडर, कुछ लोग खाते हैं तो वो इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो इसको हम बॉयल करेंगे अच्छे से और आप ये देखिए हम दूसरा इंग्रेडिएंट तैयार करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस हमने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और जो ये गुनगुना दूध था हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके जिससे कि लंप्स भी ना बने और अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हो चुका है देखिए। ठीक है, इसी तरह से हमने 1/2 स्पून लिया है, आप 1 स्पून भी ले सकते हैं, आप जिस हिसाब से अपनी क्वांटिटी बनाते हैं उसी हिसाब से ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको क्या करेंगे क्योंकि हम दूध बना रहे हैं, ठीक है, तो दूध पतला होता है तो इसी वजह से हम इसको पतला रखेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये दूध भी बॉयल हो रहा है तो इसको बॉयल करेंगे फिर मिलेंगे। ये देख सकते हैं गाइस ये देखिए बॉयल आ गया है दोबारा। ठीक है, तो इसमें हम ये अपना डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर वाला दूध अभी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस अब इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर वाला दूध हम ऐड करेंगे, वो भी चलाते हुए जिससे कि इसमें गुठलियां ना पड़े क्योंकि गुठलियां बहुत जल्दी पड़ जाती है हमारे कस्टर्ड पाउडर में इस वजह से। ये देखिए देख सकते हैं कलर देने के लिए आप हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी पका सकते हैं, तो ये हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब ये देख सकते हैं इसी को चलाते हुए क्योंकि तली में कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो बैठ जाता है तो उसको चलाते हुए हम पकाएंगे। ठीक है, तो जितना आपको थिक रखना है उस हिसाब से आप इसको पका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए बॉयल आ गया है तो इसको हम पका लेते हैं फिर मिलते हैं, हम टाइम बताएंगे आपको कि हमने कितनी देर पकाया है इसको। गाइस आप अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 लीटर दूध ले लीजिए उसको बॉयल करते जाइए और जब दूध आधा रह जाए तब बादाम का पेस्ट काजू वो बादाम और काजू का पेस्ट डाल दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कलर लाने के लिए आप हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं या फूड कलर आता है येलो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए गाइस
दूध अगर ज्यादा नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल देंगे ना, तो वो भी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इतना टेस्टी, और आप कोशिश ये करें कि फुल फैट वाला दूध लें, वो ज्यादा, उससे स्वाद जो आता है, टेक्सचर जो आता है वो बहुत प्यारा आता है, वो बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। ये देखिए गाइस, हमें लगभग लगभग 5 मिनट हो चुका है पकाते हुए, तो इसको अब हम बंद करेंगे क्योंकि हम इसका बादाम मिल्क बनाना था। ये देखिए हमने फ्लेम ऑफ कर दी है, ये देखिए हमारा ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे, बट ठंडा होने के बाद। अगर आपको गर्म ही पीना है तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा उसके बाद सर्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम ठंडा करते हैं 1 मिनट बाद, लगभग उसको पकाते पकाते हमको 5 से 10 मिनट हुआ है, ठीक है। तो आप जिस तरफ से थिक चाहते हैं, अगर ज्यादा थिक चाहते हैं तो आपको 10 मिनट पकाना पड़ेगा, कम थिक चाहते हैं तो आप 5 मिनट पका लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, इसको ठंडा करेंगे फिर करेंगे सर्व। ये देखिए गाइस, हमारा बन चुका है, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। अपना एक टिप और हम देंगे कि इस तरह के मिल्क सर्व करने के लिए ग्लास में अंदर धूल जरूर लें एक बार, जिससे कि ग्लास के ऊपर चिपके नहीं दूध को। तो इसको हम सर्व करते हैं, फिर मिलते हैं आके। देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया ठीक है एकदम। एक बात और गाइस, ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर भी है क्योंकि इसमें बादाम वगैरह होती है, ठंड में बादाम वगैरह गर्म होती है तो वो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए गाइस, सर्व करने के लिए अब थोड़ी सी जो कटे हुए बादाम ऊपर से ऐड कर देंगे इसमें, ये देखिए। और आप देख सकते हैं देखने में ही कितना ज्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा होगा। तो गाइस, आज की हमारी ये रेसिपी इम्यूनिटी बूस्टर और शरीर को गर्म रखने वाला ठंडियों के टाइम पर बादाम मिल्क। तो प्लीज हमारी ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और अगर कोई भी कमेंट है तो प्लीज कमेंट करिए, अगर कुछ भी हमें इसमें सुधार करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।